भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों के साथ साथ देश विदेशों से गहरे संबंध स्थापित करने के लिए भी जाने जाते हैं। पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पर भारत का चीन को शुभकामना ना देना चीन के लिए एक संकेत है। मित्रता का हाथ खुद आगे बढ़ाने से लेकर अब चीन से दूरी बनाने की क्या वजह है? 4 जुलाई को अमेरिका का 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से जो बाइडेन और वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने पर चीन में जश्न मनाया गया। इस मौके पर चीन को भारत सरकार की तरफ से कोई बधाई नहीं दी गई। सितंबर 2014 में पीएम मोदी के इनविटेशन पर चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां मोदी की चीन से अपने रिश्ते सुधारने की पहल थी। वहीं अब नरेंद्र मोदी का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने पर भी चीन को बधाई ना देना चीन से दूरी बनाने का संकेत दे रहा है। भारत द्वारा मित्रता की कई कोशिशों के बावजूद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता दिखाई दे रहा है। हाल ही में चीन द्वारा LAC पर अपने 20,000 सैनिक तैनात किए गए हैं, जिसकी जवाबी कार्यवाही में भारत ने भी अपने सैनिकों की तैनाती की है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पर चीन के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई देश या विदेशी ताकत चीन को परेशान करती है तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2017 में डोकलाम पर सीमा विवाद से भारत चीन के बीच शुरू हुआ विवाद, 2019 में अरुणाचल प्रदेश को अपनी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताने, 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और जो आतंक चीन ने कोरोना की वजह से भारत में किया है, उसके बाद भारत ने भी चीन को ना माफ करने का मन बना लिया है। क्योंकि भारत द्वारा कई मौके देने के बाद भी चीन अभी तक सुधरा नहीं है और ना ही अपनी हरकतों से बाज आ रहा है। चीनी सेना का लगातार भारतीय सेना से उलझने के बाद भारत और चीन के बीच विवाद खिंचता ही जा रहा है। चीन की हर हरकत पर भारत पैनी नजर बनाए हुए है और चीन के लिए यह अच्छा होगा कि वह भारत को 2014 से पहले वाला भारत समझने की कोशिश ना करे।